स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2019 और बीसीसीआई की तरफ से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, तो देखते रहिए इस वीडियो को जिसमें मैं आपको पूरी सच्ची खबरें बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में कुछ महीनों पहले ही बीसीसीआई ने आईपीएल 2019 की तारीखों का ऐलान किया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 मार्च से आईपीएल 2019 की शुरुआत होगी। लेकिन आज मंगलवार को एक बैठक हुई बीसीसीआई की, जिसमें उन्होंने तय किया कि 23 मार्च को आईपीएल 2019 की शुरुआत कर दी जाएगी। और ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है कि 23 मार्च को ही आईपीएल 2019 की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, असल में भारत में इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके कारण ये कहा जा रहा था कि इस साल का आईपीएल यूएई या फिर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज की जो बीसीसीआई की बैठक हुई है, उसमें ये भी तय कर दिया गया है कि इस साल का आईपीएल भारत में ही खेला जाएगा और ये संभव हो पाएगा कार्बन फॉर्मेट के कारण। आखिर कार्बन फॉर्मेट है क्या, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो लेकिन इससे पहले अगर बात करें आईपीएल की तारीखों को चेंज क्यों किया गया है, तो वो दो कारणों से किया गया है। पहला कारण तो लोकसभा का चुनाव होना है 2019 में, तो उसके लिए ही पहले ही इसको शुरुआत करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और कारण यह है कि जून में वर्ल्ड कप 2019 की शुरुआत होने वाली है, तो इसके लिए भी खिलाड़ियों को रेस्ट देना जरूरी है, जिसकी वजह से मार्च में आईपीएल 2019 की शुरुआत कर दी जाएगी और 23 मार्च से आईपीएल 2019 की शुरुआत की जाएगी। अब अगर हम बात करें कारवा फॉर्मेट की, तो इसको अप्लाई करने का कारण यह है कि लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसके कारण पूरी पुलिस की सुरक्षा लोकसभा के चुनाव की तरफ रहेगी और आईपीएल में पुलिस की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए कारवा फॉर्मेट को अप्लाई किया जाएगा। आखिर कारवा फॉर्मेट है क्या, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि 30 मार्च को मुंबई में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो 30 तारीख के पहले तो वहाँ की पुलिस फ्री नहीं रहेगी, वो लोकसभा के चुनाव में रहेगी। लेकिन 30 तारीख के बाद वहाँ की पुलिस फ्री हो जाएगी सिक्योरिटी देने के लिए, तो 30 तारीख के बाद मुंबई में मैच कराया जा सकता है। ऐसे में फिर जो आगे आने वाले मैचेस रहेंगे वो मुंबई में कराया जाएगा। फिर मान लीजिए 5-6 दिन बाद बेंगलोर फ्री हो चुका है, वहाँ का लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, तो वहाँ का स्टेडियम फ्री हो जाएगा, वहाँ की पुलिस फ्री हो जाएगी। तो आपके पास ऐसे करके दो वेन्यू आ गए, बेंगलोर और मुंबई, यहाँ पर मैचेस कराया जाएगा। फिर मान लीजिए अगले दिन या 5-6 दिनों बाद जयपुर का स्टेडियम फ्री हो गया, फिर चेन्नई का स्टेडियम फ्री हो गया। ऐसे करके कारवा फॉर्मेट यही है कि जैसे अभी जो स्टेडियम फ्री है वहाँ मैचेस कराए जाएंगे, फिर कुछ मैचेस वहाँ कराए जाएंगे, तो ऐसे आपका शेड्यूल जो है वो होम और अवे मैचेस का शेड्यूल जो है वो तो हट जाएगा, लेकिन पूरा आईपीएल भारत में ही इसी तरह से कराया जाएगा। अब अगर आईपीएल 2019 के शेड्यूल की बात करें, तो ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, ये अनाउंस किया जाएगा जब लोकसभा के शेड्यूल अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि ये देखा जाएगा कि लोकसभा के चुनाव कितने तारीख को होंगे, कहाँ होंगे, तो उसके हिसाब से आईपीएल 2019 के शेड्यूल को भी अनाउंस किया जाएगा। देखा जाएगा कि कौन से वेन्यूज पे हम मैचेस करा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मुंबई में ही 4-5 मैचेस लगातार हो गए, फिर बेंगलोर में भी 6 मैचेस लगातार हो सकते हैं। ऐसे मतलब फिक्स अभी तो नहीं है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव का शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद ही आईपीएल 2019 के शेड्यूल को अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और सच्ची खबरें लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।